टोटल 7 लेक्स, ये सभी कलबुर्गी का बहुत अच्छा लेक्स थे उस जमाने में, अभी नहीं रह सके। लेकिन डेवलप होने के बाद इसको मेंटेन भी तो करना चाहिए। अच्छा सा गार्डन वहाँ पे हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, वहाँ पे सिवाय जानवर के कोई घूम नहीं रहा है। 1 रुपये 2 रुपये नहीं, वो हजारों करोड़ में बेंगलुरु में आज लॉस हुआ है। हाँ, क्यों लॉस हुआ है? उधर लेक सेव नहीं किए। एक स्टैचू बिठाने से, एक स्लैब डालने से, एक गार्डन बनाने से द लेक विल नॉट गेट डेवलप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे लेक को खत्म किया जा रहा है। बेंगलुरु बनाने, सिटी बनाने के टाइम 100 लेक थे, वो 100 लेक पूरा एनक्रोचमेंट होके बिल्डिंग बनाए। इतना गवर्नमेंट इतना बजट वहाँ पे खर्च करके आज क्या हो गया, वो पूरा बंद पड़ गया है। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Last week हम क्या किए थे, कलबुर्गी का अपन करेग लेक है ना, वो सेव लेक बोल के एक वीडियो बनाए थे। उसमें क्या क्या था बोले तो, ये लेक में अभी काम क्या चल रहा है, वो 10 करोड़ में काम चल रहा, उसमें क्या हो रहा बोले तो सिविल वर्क चल रहा, ये 10 करोड़ का काम सिविल वर्क कर रहे। ये सिविल वर्क होने के बाद इधर देख रहे आप, ये बनाए सो क्या बोले तो प्लेटफॉर्म बनाए सो इधर पब्लिक जाने के लिए, और इधर 1-1 प्लेटफॉर्म, हाँ, एक एक 15-15 फीट को एक गैप देख के स्टैचू बिठाने वाले हैं। स्टैचू बोले तो मूर्ति कूड़सोर इधर है ಮುಂಬರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕು 10 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂಬರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೂಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಿಟಾನೆಕ ಕಾಮ್ ಟೆಂಡರ್ ಬಾದ್ಮೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲೇ ಅಭಿ ಸಿರ್ಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮ್ ಚಲ್ ರಾ. ಔರ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋನೆಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಲೇಕ ಜಗ ಕಮ್ ಹೋ ರಾ, ಔರ್ ಕಲ್ ಪರ್ಸೋ ಆಪ್ ದೇಖಿ ಟಿವಿ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಾ ಹೈ ಬೋಲ್ಕೆ, बेंगलुरु में पूरा पानी आके बेंगलुरु भर गए सोए पानी से. क्यों भरा बेंगलुरु में पानी बोले तो, बेंगलुरु में केम्पे गौड़ा, हाँ, बेंगलुरु बनाने सिटी बनाने के टाइम 100 लेक थे, वो 100 लेक पूरा एनक्रोचमेंट होके बिल्डिंग बनाए कॉन्ट्रैक्टर्स और लैंड माफिया वाले. वो बनने के बाद क्या हुआ, पानी स्टोरेज के लिए बारिश आने के बाद पानी भय के करीम लेक में जाने वाला पानी प्रॉब्लम हो के क्या हुआ बोले तो, अभी रोड में घरों में पानी घुस गया है बेंगलुरु में. उससे क्या हुआ, पूरा हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहता है, एक रोड रन दो, नाली रन दो, सबका घर बांधे सो, सभी खराब हो रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो लॉस. हाँ, ये सभी लॉस किनको होता, पब्लिक को होता, गवर्नमेंट को होता. वो 1 रुपये 2 रुपये नहीं, वो हजारों करोड़ में बेंगलुरु में आज लॉस हुआ है. हाँ, क्यों लॉस हुआ है, उधर लेक सेव नहीं किए, उसके लिए आज का दिन उन्हों प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. इवतीन दिवस ऐन ना बेंगलुरल नोड़ता इदीवी, कळेद 2-3 दिवसदिंद केरे ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಏನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ 100 ಕೆರೆ ಮಾಡಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೇ ನೀರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1,000,000,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಜನರು ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲೂ 7 ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೇ ಬಿ 7 ಲೇಕ್ ಹೇ ಬೋಲ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲೆ, ಕಹಾ ಪೆ ಹೇ ದಿಖಾವ್ ಬೋಲ್ಕೆ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೆ. ಉಸ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇವ್ ಲೇಕ್ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೆ, ಕಲಬುರ್ಗಿಕ್ಕೆ ಬಡೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಲೆ ತೊ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೇಖಕ್ಕೆ ಹಮಾರಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿಯೆ ಥೆ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಬೋಲ್ಕೆ. ಉನ್ಕು ಜಾಕೆ ಮಿಲ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಹೋ ಬತಾಯೆ, ಏಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹುವಾ ಐಸಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮೇ 7 ಲೇಕ್ ಕಹಾಂ ಪೆ ಹೇ ಬೋಲ್ಕೆ, ಉನ್ಹೋ ಬತಾ ದಿಯೆ 7 ಲೇಕ್ ಕಹಾಂ ಪೆ ಹೇ ಬೋಲ್ಕೆ, ಔರ್ ಕೈಸೆ ಲೇಕ್ ಥೆ ಓ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಬೋಲೆ ತೊ ಬಹುತ್ ಜಾದಾ ದಿನ ನೀ ಹುವಾ, ಏಕ್ 40-50 ಸಾಲ್ ಕೆ ಪಹಲೆ ಕಾ ಬಾದ್
कितना अच्छा ग्रीनरी था, पानी कैसा सबको मिलता था, एक एटमॉस्फेयर कैसा था, नेचर कैसा था बोल के। वो सात लेक कहाँ पे है बोले तो आलंद रोड जाने के टाइम अभी शेट्टी कॉम्प्लेक्स आता ना वो साइड में एक लेक, उसके अपोजिट साइड में एक लेक, ये दो लेक हुआ। थर्ड लेक इधर फायर स्टेशन है ना उसके बाजू का जगह है ना वो थर्ड लेक का। फोर्थ लेक बोले तो ये हम ठहरे ना ये फोर्थ लेक कंसीडर कीजिए। फिफ्थ ये केबियन दरगाह है ना उसके सामने के जगह केबियन कॉलेज जाते हैं ना उधर एक लेक बोल के, और एक लेक संतरासवाड़ी और बसवेश्वर हॉस्पिटल जाते ना उधर एक लेक आते। टोटल सेवन लेक्स ये सभी कलबुर्गी का बहुत अच्छा लेक्स थे उस जमाने में, अभी नई रह सके। हाँ ಏನು ಏಳು ಲೇಕ್ ಇತ್ತು ಕಲಬುರಗಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಏಳು ಲೇಕು ಏನು ಆಳಂದ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಕು, ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಕೇಬಿಯನ್ ದರ್ಗಾ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ನಿಂತಿರೋದಂತರ ಒಂದು ಲೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಏನು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಕು, ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇಕು, ಈ ಏನು ಏಳು ಲೇಕ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಲೇಕ್ ಇದು ಒಂದೇ, ಆರು ಲೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ। फ्यूचर में क्या होता बोले तो ये भी काम कर रहे हैं ना, इसमें जगह कम हो रहे, जगह कम हो के क्या होता आने वाले दिनों में हमारे को पानी ज़्यादा बारिश आए तो लेक भर्ती होता, और डीप नहीं रहे तो क्या होता पानी रोड में आने का चांसेस है, नहीं तो सब सिटी भर्ती होने के चांसेस है। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और अपील करते हैं कि ये लेक को सेव करो, ज़्यादा जगह यूटिलाइज़ मत करो, कम से कम जगह में करो, और हाई टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी से काम कीजिए कि सचे वे दैट ये लेक को सेव कर सके बोल के। अभी एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडिंग टू दिस टॉपिक, वो उधर का लेक का बोटिंग बनाए सो है, पहले बोटिंग चल रहा था, हाँ अभी दो तीन साल से बोटिंग बंद हो गया है। ये 2008 में एक बोटिंग के लिए प्लान करके एक इनॉग्रेशन किए थे तब का CM येडियुरप्पा जी, उधर पूरा गार्डन बनाया एक डेढ़ दो एकड़ में 8-10 करोड़ खर्चा करके पूरा गार्डन बनाया कि पब्लिक का कलबुर्गी आम पब्लिक नागरिकरु कलबुर्गी नागरिकरु बंदी गार्डनली टाइम स्पेंड माडली मत्ते बोटिंग माडली ओंदु प्रवासीक ताण आगली अंत माडिद्रु। आ 8-10 कोटी खर्च माडिबिट्टु एनु माडिद्रल्वा इवत्तिन दिवस वेस्ट आगिदे, वो पूरा वेस्ट, वो 8-10 करोड़ खर्चा किया ना पूरा वेस्ट है। क्यों बोले तो आप जाके देख सकते हैं वो लॉक किए, पूरा लॉक है। क्यों बोले तो उधर पूरा हुल्लु बेळेदिदे अल्ली तुम्बा, हाँ और पूरा क्या बोलते एक गुफा बोलते ना वैसा हो गया, कोई भी नहीं जा सकते वैसे हालत बिगड़ी सो है उधर टोटली। उसके लिए हम डिमांड करते हैं कि वो 8-10 करोड़ भी हमारा टैक्स मनी क्या रहता ना, सभी पैसे टैक्स भरे सो पैसे खर्चा किए सो है ना वो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो रहा। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द उसको क्लीन करके और स्टार्ट कीजिए पब्लिक टूरिज्म, आने के लोगों को और पब्लिक कलबुर्गी की जना आके उधर बैठना और उसका यूज़ करना बोल के। और अभी एक गुजारिश है कि ये भी वैसे नहीं होना फ्यूचर में, एक 10 करोड़ खर्चा कर रहे ना, इसके लिए हमारा अपील है कि जिला आडळिता मत्ते केरे अभिवृद्धि प्राधिकार चेयरमैन अवरिगे ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನತೆಗೆ, ಏನು ಕೆರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಂದೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂಬರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬರ ಶಾರ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಜ್ ಹಮ್ ಯಹಾ ಪೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜೊ ಜಗತ್ ಸರ್ಗ ಜಗತ್ ಲೇಕ್ ಹೇ अपन करी जिसे बोला जाता है, ये लेक को हम सेव करने के लिए है. सेव दी लेक एंड प्रिजर्व दी नेशन जो हमारा स्लोगन है, हम लोग ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 2002 में जो ये तालाब था ये काफ़ी बड़ा तालाब यहाँ पे हुआ करता था. आज यहाँ पे क्या हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि अभी इसको डेवलप करना है, लेक को डेवलप करना है. 2008 में एक टेंडरिंग हुआ है कि ये लेक को डेवलप करेंगे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सिटी में अच्छा सा डेवलपमेंट होने चाहिए, ये लेक हमारा अच्छा डेवलप होना चाहिए, हमारा सिटी खूबसूरत दिखना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर लेक को ख़त्म किया जा रहा है,
नेचर को ख़त्म किया जा रहा है। बिकॉज अभी 2008 में जो बोटिंग करने का, जो गार्डनिंग करने का यहाँ पे जैसा लेक को डेवलपमेंट हुआ, हमको भी काफ़ी खुशी हुआ कि चलो हमारा सिटी में भी हमारा लेक डेवलप हो रहा है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ है, आफ्टर एक दो तीन साल के बाद, चार साल के बाद में क्या हो गया, इतना गवर्नमेंट इतना बजट वहाँ पर खर्च करके आज क्या हो गया, वो पूरा बंद पड़ गया है। पिछले 3 सालों से ये चीज़ बंद हो गई है, अब उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। आज वहाँ पे क्या हो रहा है, सारे अब अभी वहाँ पे आप जाके देखिए पूरा गेट बंद है। अभी जब गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट बोलता है कि यहाँ से हम लोग कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ पे लोग आएंगे देखेंगे, हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी कर दिया है। बट हम लोग चाहते हैं कि डेवलप हो, लेकिन डेवलप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज ये डेवलप हो गया है, आज आप ये डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलप होने के बाद इसको मेंटेन भी तो करना चाहिए। इसको आप अच्छे से एक टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, इसको मेंटेन कीजिए। एक अच्छा स्मार्ट सिटी का अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो उसको अच्छा मेंटेन कीजिए। अब जैसे कि वो बंद हो गया है, हाँ अगर वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पे आता था, हर सैटरडे संडे आसपास के तमाम कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे आते थे, बोटिंग करते थे, हम लोगों ने खुद वहाँ पे जाके है ना अपना टाइम स्पेंड किया है, एक अच्छा सा गार्डन वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, वहाँ पे सिवाय जानवर के कोई घूम नहीं रहा है। तो वहाँ पे जब 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्चा करके जब गवर्नमेंट ने गार्डन बनाया, उसको पहले आप डेवलप कीजिए, उसको आप ओपन कीजिए, उसके बाद आप इसको जो करना है आप इसको डेवलप कीजिए। और इसको अगर आप डेवलप भी कर रहे हैं तो हम आपसे अपील करते हैं कि ये तमाम लेक की जो खूबसूरती है उसको मेंटेन रखिए। आप यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना मिट्टी है, तमाम पूरी गंदगी यहाँ पर आ रही है। सिर्फ एक स्टैचू बिठाने से, एक स्लैब डालने से, एक गार्डन बनाने से द लेक विल नॉट गेट डेवलप। इसको सफाई कीजिए, इसका पूरा इसका सफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं तमाम, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टैचू बिठा रहे हैं, हम लोग किसी मज़हब के अगेंस्ट में नहीं है, यहाँ पे तमाम स्टैचू बिठाएंगे। तमाम स्टैचू बिठाने के बाद, आइडल्स बिठाने के बाद तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और सभी लोगों का एक अपना अपना रश होगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना है कि एक इसको पब्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से एक अच्छे से डेवलप करें। अगर आप डेवलप कर रहे हैं इसको लाइफ टाइम के लिए, इसको मेंटेन कीजिए। बस यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है। और लेक को बचाइए, इस तालाब को आप बचाइए। सेव द लेक, सेव द नेचर। थैंक यू।